कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए बीते साल आज ही के दिन पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वायरस का प्रकोप जो है वो खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 132 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 47,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47,262 नए कोरोना मामले सामने आए। ये नए मामलों का 81.65% 6 राज्यों से सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 28,699 मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जो कि कुल आए मामलों का 77.44% है। इसके बाद पंजाब से 2,254 मामले आए हैं, कर्नाटक से 2,010, केरल और छत्तीसगढ़ और गुजरात भी इन 6 राज्यों में शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से कुल 275 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है। यहाँ 132 लोगों की इस वायरस से मौत हुई। इसके बाद पंजाब में 53 लोगों की, छत्तीसगढ़ में 20 लोगों की मौत हुई है और केरल में 10 लोगों की मौत कोरोना वायरस से पिछले दिनों हो चुकी है। वहीं कई ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पिछले 24 घंटों में कोई मौत नहीं आई है। ये 12 राज्य ओडिशा, लक्षद्वीप, लद्दाख, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। यहाँ बीते दिनों कोरोना से एक भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। अभी देश में कोरोना का क्या हाल है ये भी जान लेते हैं। कुल मामले जो है 1,70,34,058 हो चुका है। वहीं कुल जो ठीक हो चुके लोग हैं उनकी संख्या हो गई है 1,12,05,160। कुल एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या है 3,68,457। कोरोना से जो मरने वालों की संख्या है वो है 1,60,441। कुल टीकाकरण जो है 5,08,41,246 लोगों को टीकाकरण मतलब यानी कोरोना का टीका दिया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सिनेमा हॉल, मॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थान को सुपर स्प्रेडर क्षेत्र कहा है। सभी डीएम को क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के नांदेड़ और भिंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। बीड से पहले महाराष्ट्र के नागपुर में 31 मार्च तक का लॉकडाउन है। इनके अलावा नासिक, ठाणे, पुणे जैसे इलाकों में पहले ही नाइट कर्फ्यू या अन्य कई सख्त फैसलों को उठाया जा चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश में जो 100% मामले हैं उसके 50% से ज़्यादा मामले जो हैं वो महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके अपनी राय दें और देखते रहें हमारा चैनल पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।